दोस्तों अभी देख लीजिए, हम सुप्रीम कोर्ट के ऑफिशियल साइट पे हैं, क्योंकि हम नाइट में ही आपको बता दिए थे बीटीसी जेई का आज सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो सुनवाई समाप्त हो गई है। तो चलिए क्या क्या अपडेट निकल के आई है, क्या न्यू हेयरिंग डेट फिर से मिला है या केस समाप्त हो गया है, केस डिस्पोज हो गया है, क्या कुछ अपडेट निकल के आई है, इस वीडियो में सारी जानकारी वन बाय वन करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। इसलिए यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो बीटीसी जेई का फॉर्म भरे हैं या न्यू वैकेंसी आने का इंतजार कर रहे हैं, पुराने वैकेंसी क्लियर होने का इंतजार कर रहे हैं। तो बिना स्किप के वीडियो को पूरा देखिएगा। इससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए 8824 जो कि डायरी नंबर है /2023। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, व्यू करते हैं, देख लीजिए आपके सामने हम खुल के आ गया। शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, आपके सामने में डायरी नंबर है देख लीजिए, और आज का डेट देखिए सुनवाई हुई थी। सीरियल नंबर देखिए, केस का सीरियल नंबर आपको 30 था 14/5/2024, आपके सामने में हर चीज़ है देख लीजिए। यहाँ पे क्लाइंट आपको स्टेटस यहाँ पर दिखा रहा है 14/5/2024। तो दोस्तों आज ही सुनवाई हुआ है और न्यू हेयरिंग डेट मिल गया है। न्यू हेयरिंग डेट क्या मिला है वो भी हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि देख लीजिए हम पहले ही बता दिए थे अगर आज सुनवाई होती है, अगर आज सुनवाई पूरा हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर पूरा नहीं होता है तो आपको अगस्त में ही न्यू हेयरिंग डेट मिलेगा, क्योंकि इधर अभी कोर्ट बंद है। तो चलिए हम आपको बता देते हैं, देख लीजिए यहाँ पे दोस्तों, शशिभूषण प्रसाद सिंह वर्सेज द स्टेट ऑफ बिहार, तो दोस्तों देख लीजिए इसका न्यू हेयरिंग डेट 6/8/2024 को मिला है। देख लीजिए आज कोर्ट नंबर 5 में इसका सुनवाई हो रही थी, आपके सामने हर चीज़ है और ऊपर में भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं ठीक है, और आपके सामने हर चीज़ लिखा हुआ है। तब न्यू हेयरिंग डेट कब मिला है, 6/8/2024, तो सोच लीजिए 2 महीना 2.5 महीना बाद ही न्यू हेयरिंग डेट मिलता है और उसमें भी सुनवाई होती है और सुनवाई पूरा नहीं हो पाता। तो हम पहले भी बताए थे और अभी भी हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए आप, तो अभी और भी इंतज़ार करना पड़ेगा सभी बीटीसी जेई वाले जो भी स्टूडेंट हैं, अभी और भी आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि आज सुनवाई हुई, आज मई है देखिए 14 मई, और फिर से आपका सुनवाई होगा 6 अगस्त को। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस वैकेंसी के बारे में, इस केस के बारे में आप लोग कमेंट करके बताइएगा सभी स्टूडेंट। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही जानकारी देने वाले थे, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन पर सेट कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। जैसे ही बीटीसी जेई के बारे में कोई भी अपडेट आएगा, वीडियो बनाएंगे, आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।